हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल फोस्टर एकेडमी। आई होप यू आर वेल एंड हेल्दी। दिस इज श्वेता पांचाल और स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं ईएमआरएस के टीजीटी सोशल साइंस के सिलेबस के बारे में। देखिए, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इस चीज को लेकर। काफी बच्चों ने सिलेबस कम्प्लीट कर भी लिया है, लेकिन अभी भी कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन है कि सिलेबस कैसे कम्प्लीट करना है, सिलेबस क्या है। तो उसी के रिगार्डिंग हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, कुछ एक बुक्स वगैरह डिस्कस करेंगे और कौन कौन से पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं आगे तैयारी के लिए, क्योंकि पेपर जो है अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका आया नहीं है, बट आप इस भरोसे नहीं बैठ सकते। स्टे वगैरह की बात है वो अलग है, बट आपको ध्यान रखना है बुक्स वगैरह का, ठीक है। तो आपका जो सिलेक्शन होगा ना मटेरियल का, वही डिपेंड करेगा कि आपको आपका एग्जाम कैसा जाने वाला है ना। तो सबसे पहली बात तो यही आती है यहाँ पर कि आपको कोई भी एग्जाम हो उसके लिए सबसे पहले तो आपको सिलेबस प्रॉपर तरीके से पता होना चाहिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मेंशन कर दूंगी आपको सिलेबस की जो लिंक है, आप जाकर सिलेबस चेक कर सकते हैं ईएमआरएस का, टीजीटी एसएसटी का। तो प्रॉपर टीजीटी एसएसटी का ही सिलेबस है। दूसरी बात यह है कि सिलेबस आप राइट डाउन करके रखिए ताकि आप टिक करते चलें कि आपका कौन सा टॉपिक हो गया है। दूसरी बात हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि कहाँ से पढ़ना है आपको इस एग्जाम के लिए। तो वैसे आपको सभी को पता ही है, पर फिर भी मेरी वीडियोज भी चल रही है। सिविक्स की जो प्लेलिस्ट है वो कम्प्लीट हो चुकी है। यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले सिविक्स की ही। तो आपको बेसिकली जो आपका बेस रखना है वो एनसीईआरटी ही रखना है, क्योंकि आपके जितने भी टॉपिक हैं वो 100% एनसीईआरटी में से ही कवर हो जाएंगे। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि एनसीईआरटी आपको अच्छे तरीके से पढ़नी है, आपको कुछ भी उसमें छोड़ना नहीं है। तो मैं आपको बुक्स दिखा देती हूँ एक दो। इसमें आपकी ऐसा नहीं कि एक बुक में ही आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा। सिविक्स की बुक्स हैं, उनमें आपको क्लास 10th की बुक देखनी पड़ेगी, क्लास 11th की बुक देखनी पड़ेगी, इसके अलावा 9th की जो बुक है वो भी आपको देखनी पड़ेगी। तो मेरे पास अभी 9th क्लास की बुक है ये, और 10th की बुक है और 11th की बुक है, ठीक है, सिविक्स की। इन बुक्स में से आपके जो टॉपिक है वो कवर हो जाएंगे, बहुत इजीली कवर हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको पूरी बुक पढ़नी है। एक बच्चे का मैसेज आया था कि मैम जो जैसे कि सिविक्स है तो सिविक्स की पूरी बुक पढ़नी है या हिस्ट्री की पूरी बुक पढ़नी है 9th 10th की। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको एक प्रॉपर किसी क्लास की बुक पढ़नी है। आपको टॉपिक सेलेक्ट करना है, आपको वो टॉपिक जिस भी बुक में से मिल रहा है एनसीईआरटी की, आपको आप उसको उठा लेंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको हाईएस्ट वो देखना है, क्वालिटी देखनी है। जैसे कि आपका एक टॉपिक यहाँ पर संविधान है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन एक टॉपिक है, एक आपका है फेडरलिज्म, तो 11th क्लास की बुक में भी है सेम टॉपिक और थोड़ा बहुत वो 9th 10th की बुक में भी है। तो आपको क्या करना है, आपको 11th क्लास की बुक में से पढ़ना है, क्योंकि अपने आप ही कवर हो जाएगा छोटी क्लास का भी इसमें से। तो इस तरीके से टॉपिक्स का सिलेक्शन आपको ऐसे करना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर इकोनॉमिक्स की। देखिए, इकोनॉमिक्स के लिए आपको 9th और 10th की जो बुक है आपके सिलेबस के हिसाब से, तो 9th और 10th की जो बुक है वो आपको सही पड़ेगी बिल्कुल, है ना। उसमें सारे टॉपिक्स आपके कवर होने वाले हैं, लेकिन क्योंकि इकोनॉमिक्स से देखा गया जनरली कि जो टॉपिक है वो बाहर से भी आ जाता है, मतलब फिर बच्चे बोलते हैं आउट ऑफ सिलेबस आया है। ऐसा नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता, बस उसका जो लेवल है वो थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है। तो यहाँ पर मेरे पास एक बुक है, आपको दिख रही होगी, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये वाली बुक लीजिए आप, लेकिन आप कोई भी एक एक्स्ट्रा बुक खरीद सकते हैं या आपके पास हो तो फिर आप उसमें से पढ़ सकते हैं, फिर नेट से भी कोई पीडीएफ वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं जो आपके टॉपिक्स है ना, जैसे कि आपका है सेवा क्षेत्र है, ठीक है, इसके अलावा एग्रीकल्चर है, नेशनल इनकम है, और करेंसी है, बैंकिंग है, अनएम्प्लॉयमेंट है। तो ये सारे टॉपिक जो है आपको बहुत अच्छे से आपकी एनसीईआरटी में कवर हो रहे हैं और पेपर भी यहीं से आने की उम्मीद है कि प्रॉपर यहीं से आएगा। लेकिन हो सकता है कि क्वेश्चंस का कुछ क्वेश्चंस का लेवल बढ़ा दिया जाए, क्योंकि वैसे तो जो पेपर है वो 9th 10th की बुक में से आपका कवर हो जाएगा, सारा सिलेबस जो है वो यहीं से कवर हो जाएगा आपका। लेकिन आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि भाई ऐसा है एग्जाम में प्रॉपर आपका ऐसा नहीं आ सकता कि सारा का सारा एनसीईआरटी में से प्रॉपर एज इट इज ही दे दिया जाए। तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स बहुत बढ़िया ऑप्शन होता है इनके लिए कि क्वेश्चन जो है वो बाहर से दे दिए जाए। तो आप इस तरीके की कोई एक बुक खरीद सकते हैं। मेरे पास ज्ञान अर्थव्यवस्था है, ठीक है, ज्ञान सीरीज की बुक है। तो यहाँ पर कुछ एक टॉपिक्स हैं जो कि इजीली मिल जाएंगे, जैसे कि है राष्ट्रीय आय और औद्योगिक क्षेत्र, अनएम्प्लॉयमेंट है, करेंसी है। मतलब ये बुक नहीं, आप कोई सी भी बुक खरीद सकते हैं या फिर आपके पास कोई बुक रखी हो तो उसको भी आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा नेट से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं मटेरियल, बस ये कि थोड़ा सा अपने जो टॉपिक है उसको अपडेट कर सकते हैं आप, ठीक है, कुछ डेटा है उनको अपडेट कर सकते हैं। तो ये होगी इकोनॉमिक्स की बात। इसके अलावा मैं सिविक्स के लिए एक चीज और बता दूं आपको कि सिविक्स के लिए आप आर्टिकल वगैरह को अपडेट कर सकते हैं। वैसे मैंने अपडेट करके ही बताया, जैसे कि आपका चैप्टर है उसमें, तो उसमें दिया है आपको कि नेशनल पार्टीज जो है इंडिया की
वो कितनी है, तो वो क्योंकि क्राइटेरिया चेंज होता रहता है पॉलिटिकल पार्टीज का, तो फिर वो नेशनल लेवल से हट भी सकती है और फिर कोई और पार्टी भी आ सकती है। तो इस वजह से आपको अपडेट करके रखना है पूरा का पूरा सिलेबस। ऐसा नहीं है जो बुक में मेंशन कर दिया है सिर्फ एज इट इज आप उसको ही पढ़ते रहे। कुछ एक टॉपिक आपके ऐसे होते हैं जो कि अपडेट होना उसमें जरूरी होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास हिस्ट्री है। हिस्ट्री में 9th-10th की जो बुक है वहां से आपको अच्छे से, ये थोड़ी सी बुक ऐसी हो रही, काफी पुरानी बुक है, 9th और 10th की जो बुक है आपकी इजिली कवर कर लेगी आपका पूरा सिलेबस, ठीक है। ये आपकी 9th की बुक, यहां से सारा जो सिलेबस है आपका कवर हो जाएगा, कोई भी दिक्कत वाली बात यहां पर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहां पर ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी में क्लास 11th की ज्योग्राफी है। इसके अलावा छोटी क्लासेस से भी सोलर सिस्टम वगैरह टॉपिक आ रहे हैं तो आप वहां से भी कवर कर सकते हैं। तो लेकिन बेसिकली अगर देखा जाए तो यहां पर एनसीईआरटी की जो आपकी ये वाली बुक है, ये वाली बुक है, एक दूसरे वाली बुक है, तो दोनों ही बुक में से आपका जो कवर है हो जाएगा सारा का सारा सिलेबस। तो आपको बिल्कुल भी सोचने की, घबराने की जरूरत नहीं है, बस ये है कि अच्छे से पढ़ना है आपको, ठीक है। आई होप मैंने सब चीजें बता दी हैं, मेरे ख्याल से एक दो चीजें रह गई हैं। यहाँ पे मेरे पास एक दो बुक और है जिसमें आपका सार संग्रह है एनसीईआरटी का, ये आपकी वन लाइनर टाइप है, तो वन लाइनर में आप इसको एक बार रिविजन के तौर पर देख सकते हैं। वैसे कोई कंपल्सरी नहीं है, जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि भाई हमारी प्रिपरेशन जो है वो पता नहीं हुई है, ठीक से नहीं हुई है, या फिर हमें और ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, तो वन लाइनर अपने टॉपिक वाइज देख सकते हैं। इसको पूरा नहीं पढ़ना है, जो टॉपिक आपका पूछा है सिर्फ उस टॉपिक से रिलेटेड ही पढ़ना है, ठीक है। तो ये तो आपका सिलेबस से रिलेटेड हो गई बातें कि आपको जो सिलेबस है आपको वो कवर करना है। नेक्स्ट सिलेबस आपको अच्छे से लिख लेना है, इसके बाद आपको मटेरियल ये वाला कलेक्ट करके रख लेना है और पढ़ लेना है बहुत अच्छे से। सपोज कि सिलेबस आपके पास नहीं है तो आप कैसे करोगे, या फिर आपके पास जो कंटेंट है वो ही नहीं है, तो बुक्स मस्ट है, बुक्स आपको जरूर रखनी ही पड़ेगी अपने पास पढ़ने के लिए। फिर है आपके सेक्शन। कई बार क्वेश्चन आता है कि कुछ बच्चे कमेंट में पूछते हैं कि हिस्ट्री और सिविक्स करना है या फिर ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, तो यहाँ पर आपके पास चॉइस नहीं है कि आप कोई एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करें या दो सब्जेक्ट सेलेक्ट करें, आपके पास चॉइस नहीं है। आपके सिलेबस में 4 आपके सब्जेक्ट मेंशन है जिसमें आपका हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स, तो आपको चारों ही सब्जेक्ट अपने एनसीईआरटी के कवर करने हैं और जो प्रॉपर सिलेबस दिया है उसी के अकॉर्डिंग चलना है, बहुत बाहर से जाके कुछ पढ़ने की एक्स्ट्रा जरूरत नहीं है, ठीक है। अपने बुक्स को सीटेट के टाइम पे जैसे आपने बुक्स पढ़ी होगी ना, अपनी बस वही वाला चीज आपको फॉलो करनी है। आपको अगर ये लगने लगे कि ये वाला जो क्वेश्चन है ये इस पर्टिकुलर बुक के इस टॉपिक में से आया है, तो समझ लो आपकी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से हो गई है। इसके अलावा क्वेश्चन सेट लगाइए, कोई भी क्वेश्चन सेट आप खरीद सकते हैं, कोई पर्टिकुलर कोई नेम नहीं है, कोई पब्लिशर नहीं है, कोई भी आप क्वेश्चन सेट खरीद सकते हैं और उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ ही आप नेट की हेल्प भी ले सकते हैं, वीडियोज वगैरह भी देख सकते हैं। मतलब मेरा कहने का ये है कि आपको जो क्वेश्चन है वो अच्छे से करने हैं, ज्यादा से ज्यादा पढ़ने हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक्स के लिए मैंने बोल ही दिया, इधर से एक बुक आप देख सकते हैं या फिर नहीं भी देखे तो चल जाएगा, पर जिनको लगता है कि हमें थोड़ा टॉपिक और क्लियर करना है तो वो ये वाली बुक आप खरीद सकते हैं, इकोनॉमिक्स की कोई भी बुक आप ले सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि सिलेबस को स्पीडली कैसे कवर करना है। स्पीडली कवर करने के लिए बुक्स आपको रिवाइज करनी पड़ेगी, बार बार पढ़ना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। और आप टारगेट लेके चलिए 1 month का, कि आपके पास सिर्फ 1 month है, उसके बाद आपका एग्जाम है। आप ऐसा सोचकर चलेंगे तभी आप स्पीड के साथ भाग पाएंगे। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज है, अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया नहीं है, बट स्टिल आपको तैयारी अपनी प्रॉपर ही रखनी है। नेक्स्ट है आपका पेपर 1 जो है, मतलब आपका जो एप्टीट्यूड का है, इसके अलावा बाकी सारी चीजें हैं उनको भी आपको ध्यान से रखना है, और लैंग्वेज वाला पोर्शन भी अच्छे से करना है, क्योंकि क्वालिफाइंग नेचर का है तो आपको वो भी कवर करके जाना पड़ेगा। उसको ऐसा मत सोचना कि आप सिर्फ सोशल साइंस पढ़ रहे हो, सिर्फ सोशल साइंस पढ़ने से बात नहीं बनेगी, आपको अदर जो आपके टॉपिक्स हैं, आईसीटी वगैरह है और आपका रीजनिंग है, उन सब टॉपिक्स को भी कवर करना पड़ेगा, ठीक है ना। और वीडियो लिस्ट जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी आपको, जो भी मेरी ईएमआरएस से रिलेटेड है वहां जाकर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा मैं भी प्रैक्टिस सेट चलाऊंगी अभी, तो आप उसको भी देख सकते हैं। बाकी तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है, बस ये है आपको चारों सब्जेक्ट पढ़ने हैं। मेनली जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं वो इसी चीज में होते हैं, ठीक है ना। बाकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। बस मुझे लगा कि एक वीडियो बनानी चाहिए, एक आधा कोई बच्चा पूछ लेता है तो फिर थोड़ा सा बना देना वीडियो भी सही रहता है ना, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए आपको। बस यही है आज के इस वीडियो में, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, और उसमें कोई और टॉपिक डिस्कस करेंगे, और शायद ज्योग्राफी की अब क्लासेस शुरू होने वाली, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।
नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको फिर पता नहीं चलता कि वीडियो जब आती है तो, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, जल्दी से